हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एचडी फूड सीरीज में। आज मैं आपके लिए एकदम स्पेशल हरी चटनी लेकर आई हूँ, जिसे आप सैंडविच में, समोसे में, चाट में या किसी के भी साथ आप खा सकते हैं। और ये चटनी एकदम हरी रहे, इसके लिए भी मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी कि इसका कलर एकदम हरा रहे। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बना सकते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए है धनिया और पुदीना। और धनिया और पुदीने को साफ पानी से अच्छे से धो लेना है। और धनिए की जो मोटी डंडियां हैं उसे हमें अलग कर देना है, और पीली पत्तियां भी अलग कर देंगे, और एकदम उसे अच्छे से साफ करके रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है धनिया, और इसकी जो पतली पतली डंडियां हैं इन्हें हमें नहीं अलग करना है। इसके साथ ही हम इसे पीसेंगे, इससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लिया है एक कप के करीब धनिया, या एक जुट्टी धनिया मान लीजिए। और लिया है पुदीना, पुदीना हमने आधा कप लिया है, और इसमें हमें सिर्फ इसकी पत्तियाँ चाहिए, इसकी डंडियों को हम अलग कर देंगे। तो इसे भी हम मिक्सर जार में डाल लेते हैं, और अब डालते हैं हम इसमें नमक। नमक लिया है मैंने आधा छोटा चम्मच, आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं, और आधा छोटा चम्मच ही काला नमक लिया है मैंने। और इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च, या आप ज़्यादा तीखी चटनी पसंद करते हैं तो मिर्ची ज़्यादा ले लीजिए, और कम करते हैं तो थोड़ी सी कम कर लीजिए। तो इस प्रकार हम इसे तोड़ के डाल देते हैं। हरी चटनी बना रहे हैं तो मिर्च तो डालना ज़रूरी है, इसके लिए आप एकदम फ्रेश हरी मिर्च लीजिए, जिससे कि चटनी एकदम तीखी और चटपटी बनेगी। एक छोटा चम्मच जीरा लिया है, ये फ्लेवर बढ़ाएगा चटनी का। और अब डालेंगे हम अदरक, अदरक लिया है 1 इंच के करीब, और इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है मैंने। एक बड़ा चम्मच लेंगे नींबू का रस, इससे इसका फ्लेवर भी बढ़ेगा और चटनी का कलर भी हरा बना रहेगा। अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच भुनी हुई मूंगफली। मूंगफली ना हो तो आप रोस्टेड चना भी ले सकते हैं, जिसको फुटाना भी कहते हैं, या फिर आप सफ़ेद वाली तिल ले सकते हैं। इससे भी चटनी का स्वाद भी अच्छा आएगा, चटनी गाढ़ी भी बनेगी और इसका कलर भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैं मूंगफली डाल रही हूँ, आप तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। और अब मैं ले रही हूँ चाट में डालने वाली जो पतली वाली सेव आती है उसे ले रही हूँ। आप इसकी जगह 2 बड़े चम्मच नमकीन बूंदी ले सकते हैं, या मोटी वाली सेव ले सकते हैं जिसे गाठिया कहते हैं। इससे चटनी गाढ़ी भी बनेगी और इसका स्वाद भी बढ़ेगा। और अब हम डालेंगे पानी, पानी एकदम ठंडा पानी लेना है, चिल्ड वाटर। और इसे अभी मैं ज़रूरत के अनुसार ले रही हूँ, 2 बड़े चम्मच के करीब। फिर बाद में अगर ज़रूरत लगेगी तो इसे और डाल लेंगे। ठंडे पानी की जगह आप 2 आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम मिक्सर में चटनी पीसेंगे तो इसका जार गर्म हो जाता है, और उसकी जो गर्माई रहती है उससे हमारी चटनी का कलर काला पड़ने लगता है। तो वो ना हो और चटनी हमारी हरी बने रहे, इसके लिए हम इसमें एकदम ठंडा पानी यूज करते हैं। तो चलिए अब मैं इसे आपको पीस कर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने चटनी पीस ली है, और इसका कलर देखिए कितना अच्छा हरा आया है। और मैं अभी इसको आपको थिकनेस दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको थोड़ा सा पतली चटनी चाहिए तो इसमें आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। और अब मैं इसे कटोरी में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी स्पेशल हरी चटनी सैंडविच वाली तैयार हो गई है। इसे आप फ्रिज में रख के 5-6 दिन तक यूज कर सकते हैं, और फ्रीज़र में इसे आप 4 से 5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आप छोटी छोटी एयर टाइट की डिब्बियाँ ले लें, और उसमें इसे भरकर फ्रीज़र में स्टोर करें। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।